लड़की छत से गिरी, हार्ट अटैक से दिल में हुआ छेद। जबलपुर में डॉक्टर बोले 13 साल में नहीं देखा ऐसा केस। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर में 16 साल की लड़की छत से गिरी और उसे दिल का दौरा पड़ा। सांस लेने में तकलीफ के बाद जांच में पता चला कि उसके दिल में 3 छेद हो गए हैं। डॉक्टरों की टीम ने उसे 2 से 2.5 घंटे की सर्जरी के बाद छल्ले नुमा डिवाइस डालकर छेद बंद किया। घटना 14 सितम्बर की है। 6 दिन बाद उसे सोमवार को डिस्चार्ज किया गया। सर्जरी करने वाले डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने अपने कैरियर में देश में ऐसा केस ना सुना है और ना ही देखा है। यह बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। सतना जिले के बधैया टोला गांव में रहने वाली 16 साल की किशोरी 14 सितंबर को काम करते समय छत से सीने के बल नीचे गिर गई। परिवार वाले इलाज के लिए जिला अस्पताल कटनी लेकर पहुँचे थे। यहाँ से डॉक्टरों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालात में सुधार नहीं होने पर पिता उसे मेडिकल कॉलेज से निजी हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ डॉक्टरों की टीम ने जांच की तो दिल में 3 छेद नजर आए। अचानक छत से गिरने पर उसकी धमनी फट गई थी। लड़की की नाजुक हालत देखकर डॉक्टरों ने रात में ही उसका ऑपरेशन किया। सर्जरी के दौरान किसी भी प्रकार से चीड़फाड़ नहीं की गई, जिससे ऑपरेशन करने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगा। इस दौरान लड़की को बेहोश भी नहीं किया गया था। सर्जरी के अगले दिन बच्ची चलने फिरने लगी। उसकी अब सांस फूलने की समस्या खत्म हो गई। अब वह आम इंसानों की तरह जिंदगी जी सकती है। यह ऑपरेशन पूरी तरह से निःशुल्क किया गया है। अटैक के साथ दिल में छेद होना रेयर मामला होता है। सर्जरी करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर केएल उमा महेश्वर की माने तो यह बहुत ही रेयर केस था। 13 साल के करियर में उन्होंने अपने देश में इस प्रकार का मामला नहीं देखा है। छत से सीने के बल गिरने पर हार्ट अटैक आना तो सुना है, पर हार्ट अटैक के साथ दिल में 3-3 छेद हो जाना यह नहीं सुना था। 16 साल की बच्ची के साथ इतने सारे एक साथ हादसे होना बहुत ही चौंकाने वाली बात है। डॉक्टर की माने तो हार्ट के पिछले हिस्से में 3 छेद होने से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बच्ची की हालत देखते हुए ओपन हार्ट सर्जरी कर हम उसे खतरे में डालना नहीं चाहते थे। मैंने अस्पताल प्रबंधन के साथ कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर चौधरी और एनेस्थियोलॉजिस्ट सुनील जैन से बात की। टीम ने डिसाइड किया कि एंजियोग्राफी मेथड से 3 छेद को बंद करेंगे। इसके बाद छतरी नुमा डिवाइस का उपयोग किया गया। यह एक प्रकार का छल्ला होता है। छेद के दोनों ओर डिवाइस को रखकर छतरी नुमा छल्ले को खोल दिया गया, जिससे छेद वाला हिस्सा बंद हो गया। डीडी रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। ये बेसिकली छतरी नुमा डिवाइस आता है, छल्ले आते हैं छतरी नुमा टाइप के, तो छेद के एक साइड इस साइड हम दोनों छतरियां खोल देते हैं तो बीच का हिस्सा पूरा बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे 3 छेद को बंद किया अलग अलग छल्ले डाल के।